तो वहीं आगरा में आग की लपट का तांडव देखा गया। गैस बिल्डिंग की दुकान में लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां, स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। हरि पर्वत इलाके के घड़िया का ये पूरा मामला है, आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आग लगने से इलाके में हड़कंप का माहौल, भीषण आग, विकराल रूप, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, दमकल की क्या गाड़ियां मौजूद हैं और क्या आग पर काबू पाया गया? देखिए, जिस तरीके का ये घटनाक्रम है, हरिपर्वत थाना क्षेत्र के घटिया का मामला है। गैस बेल्डिंग की दुकान में तेज धमाके के बाद भीषण आग लगी है और आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इलाकाई पुलिस को, इलाके के लोगों ने सूचित किया था, दमकल विभाग को भी सूचना दी गई थी, मगर घंटों की मशक्कत के बाद भी जब दमकल विभाग मौके पर नहीं पहुंची है, स्थानीय लोगों की मदद से और स्थानीय पुलिस की मदद से आग पर काबू जरूर पा लिया है, मगर एक बार वही सवाल खड़ा होता है कि भीषण आग लगती है, इलाके में दहशत फैल जाती है, लोगों में अफरा तफरी मौके होती है और दमकल विभाग घंटों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में अगर कोई बड़ा जनहानि या कोई बड़ा हादसा होता तो उसका जिम्मेवार कौन सा विभाग होता? क्या दमकल विभाग को अपनी औपचारिकता पूरी करना या महज दिखावे के लिए वहां आना था? यहाँ जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है, गैस वेल्डिंग की ये दुकान थी, तेज धमाके के साथ में भीषण आग लगी है और आग के बाद में लोगों में अफरा तफरी का माहौल मचा, मगर स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से इस भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। चलिए प्रशांत, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आग पर काबू पा लिया गया है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही और किसी तरह कोशिश करके आग पर भी काबू पाया गया। तो वहीं शामली से बड़ी खबर, जहां सातवीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला, गांव के एक बुजुर्ग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आपको बता दें, पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया गया। मामला सामने आने के बाद से आरोपी फरार है। आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम लगातार जुटी थी। तो सातवीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म का मामला है, गांव के ही एक बुजुर्ग पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। ये थाना आए, आदित्य ने जो है लड़की पकड़ी मेरी और घर में खींच के गेरी। बारिश रही थी, हो 3 बजे 27 जनवरी को जी, और आजाद ने बलात्कार कराया जी। तो बाप इतने दिनों में क्यों? अजी उसकी मम्मी जो है बात नतमान जा रही थी, मुगल माजरा सहानपुर तक पर जी, पीकी पुआर के लावा, तो वह आई, उन्हें पता लग गया और हमें लड़की ने बता नहीं, शर्माती हुई ना मम्मी ने पता लगा। तो आज थाना भवन क्षेत्र का मामला है, एक पिता ने तहरीर दी हुई है, उसकी बेटी के साथ पिछले 27 तारीख की घटना बताई जा रही है, जिसमें उसके साथ एक बलात्कार का होना है। तहरीर दी जा चुकी है, उस पर मुकदमा कायम होकर विवेचना जारी है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया है, वो घर पर मौजूद नहीं था, जो भी इसका अपराधी है उसके लिए दबिश दी जा रही है। तो वहीं किशोर के साथ में कुकर्म की वारदात, आपको बता दें क्रिकेट मैच के दौरान दो युवकों ने कुकर्म किया है, कुकर्म का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली इलाके के केतुपुरा मोहल्ले की घटना, फेज क्या हुआ मामला? दो दिन फेज पर तो पहले दिन की मैं खेल लगा, गेंद गेंद उठाने गया, तो जबरदस्ती करने लगा, अब कर खुला के अपनी वीडियो बना के फिर व्हाट्सएप पर भेज भेज के ब्लैकमेल करने लगा। फिर रात फिर खुला, फिर रात करने लगे दोनों, फिर मैंने उनकी वीडियो भी काट के वो व्हाट्सएप पर भी लॉक कर दिया। नाम फुरका, एक का नाम फुरकान है, एक का फिरोज।